नमस्कार मित्रों, वीडियो में तमारो स्वागत छे। मित्रों, राज्य में छेला एक महीना थी वरसाद खेंचाता चिंताना वादळो छवाया छे। महीना प्रमाणे वात करिए तो ऑगस्ट में 90% वरसादनी घट नोंधाई छे, त्यारे हवे सप्टेम्बर महीनो शुरू थया छता वरसादना कोई ठेकाणा नथी, जेने लईने खेडूतो सहित तमाम लोको चिंतामां मुकाया छे। जो के हजु आगामी टूंक समयमां पण वरसाद राहत आपशे तेवा कोई संकेत हाल मळी रह्या नथी। आगामी 7 दिवस दरमियान पण वरसाद निराश करशे तेवी आगाही हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे। मित्रों, हवामान विभागना जणाव्या अनुसार आगामी सप्ताह दरमियान गुजरातमां वरसाद नहीं बराबर जोवा मळशे। आगामी 7 दिवस दरमियान सौराष्ट्र कच्छमां वरसादनी कोई संभावना नथी। अत्यारे उत्तर गुजरातमां पण वरसादने लईने कोई संभावना जोवा मळती नथी। त्यारे 7 दिवस दरमियान साउथ गुजरात ना अमुक भागों में एटले के दक्षिण गुजरात में हलवा वरसाद की संभावना है। दक्षिण गुजरात ना वलसाड, तापी, नवसारी, डांग, दमण ना अमुक भाग में सामान्य वरसाद की संभावना है। आगामी 7 दिवस दरमियान आ भागों में छूटो छवायो वरसाद पड़ी सके। गुजरात में वरसाद न पड़वा पाछळ सक्रिय सीस्टम अभाव मानवामां आवे छे। हाल सक्रिय सीस्टम न होवाना कारणे गुजरात में वरसाद थई रह्यो नथी, त्यारे आगामी समय में क्यारे सीस्टम सर्जाशे तेना विशे पण हवामान विभाग द्वारा खुलासो करवामां आव्यो छे। हवामान विभाग अनुसार आगामी एक सप्ताह सुधी कोईपण प्रकारनी मजबूत सीस्टम बनवानी संभावना खूब ओछी छे। कोई चोक्कस सीस्टम देखाती नथी, तेथी ज वरसाद साव नीचला स्तरे रहेवानी संभावना छे। त्यारे राज्यमां हजु पण लोकोए वरसाद माटे लांबी राह जोवी पड़शे तेवी आगाही हवामान विभागे करी छे, अने आ आगाहीने पगले खेडूतो सहित तमाम लोको चिंतामां मुकाया छे।